हेलो एवरीवन, जितना मैंने आपको करवाया आप एक बार इसको भी अच्छे से रीड करें साथ के साथ। ये नहीं है कि मैं आपको करवा रही हूँ बस आप तभी पढ़ रहे हैं उसको। आप भी दोबारा से अपनी एनसीईआरटी बुक को बिल्कुल अच्छे से रीड करें। तो हमने जो पीछे पढ़ा था वो पढ़ा था हमने, यहाँ पर हड़प्पा की खोज के बारे में आया था। द एंड ऑफ द सिविलाइजेशन, यानी कि सभ्यता का अंत कैसे हुआ। तो मैंने ये आपको बता दिया था कि सभ्यता का अंत, अलग अलग आर्कोलॉजिस्ट थे, उन्होंने अलग अलग तथ्य दिए थे, अलग अलग बातें कही थी। कोई कह रहा था कि आर्यों के आक्रमण की वजह से, क्योंकि जस्ट इसके बाद है ना, हड़प्पा सभ्यता के बाद आर्य सभ्यता आती है, आर्य लोग आए थे। तो कुछ आर्कोलॉजिस्ट ने ऐसा भी माना था कि आर्य आ गए थे उनके आक्रमण से, लेकिन ऐसा नहीं है। अब इतने सारे हड़प्पा वासियों क्या आर्य लोग मार सकेंगे, तो अलग अलग विद्वानों ने फिर उनकी आलोचना भी की है। तो बहुत सारे तथ्य हैं। लास्ट में एक नंबर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने आपको आंसर बता दिया था कि क्या आ जाएगा, फ्लड आ जाएगा आंसर आपका। ओके, तो पूछ लिया जाता है कई बार लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि सिविलाइजेशन ये जो थी इसके एंड के बारे में आर्कोलॉजिस्ट ने किस तरह से तथ्य दिए हैं, हमें क्या क्या फैक्ट दिए हैं। तो अलग अलग फैक्ट जो भी दिए गए हैं, कुछ क्लाइमेट चेंज हुए थे, कुछ ऐसी साइट थी जिनको छोड़ दिया गया था और नई साइट की खोज होने लगी थी, कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट जो मिले थे उनको भी छोड़ दिया गया था, कुछ नए आर्टिफैक्ट, यानी कि चेंजेस होती जा रही थी। जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर था पहले कुछ और था, फिर कुछ और होने लगा, तो धीरे 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 क्या है, एंडिंग की तरफ थी वो। तो वो सारी बातें आप इसमें लिख सकते हो, अलग अलग आर्कोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग लिख सकते हो। तो मुझे नहीं लगता कोई कन्फ्यूजन आपको यहाँ पर होगा। वैसे ही मैं क्लास में सारा का सारा लेसन आपको बिल्कुल अच्छे से कवर करवा चुकी हूँ, सारी लाइनें नोट डाउन करवा चुकी हूँ कि कौन सी लाइनें आपने अच्छे से इन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लर्न करनी है। तो अब हम करते हैं इसमें कनिंगम कन्फ्यूजन, कि कनिंगम को एक भ्रम था। मैं आपको बता देती हूँ पहले कि कितना है इसमें। तो एक कनिंगम था, ठीक है, ASI जिसको बोलते हैं, फर्स्ट था वो, भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जनक कहा जाता है जिसको, वो कनिंगम था। ये कनिंगम है ना, इसके साथ दो व्यक्ति और थे भाई, एक विलियम बर्टन, एक जॉन बर्टन। इन्होंने क्या था, एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी लाहौर से कराची। तो लाहौर से कराची जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इनको ना कुछ ईंटों की ज़रूरत पड़ी। तो अलेक्जेंडर ने कहा कि जाओ, अगर कहीं से तुम्हें ईंटें मिलती हैं ना तो ईंटें ले आओ। तो ये दोनों विलियम बर्टन और जॉन बर्टन चले जाते हैं। तो कुछ एक खंडर मिलते हैं कुछ दूरी पर जाके इन्हें। तो वो जो खंडर थे ना, वो हड़प्पा सभ्यता के थे, बट ये नहीं समझ पाए थे इस बात को कि हड़प्पा सभ्यता के, इस बात को बाद में पता लगाया गया था। तो इसी वजह से ना कहा गया कि कनिंगम कन्फ्यूजन, कनिंगम तो कन्फ्यूज था, उसको पता ही नहीं था कि कब क्या कौन सी सभ्यता थी। उन्होंने ले आए, बिल्कुल तहस नहस कर दिया उन्होंने उस खंडर को, वहाँ से ईंटें निकाल लाए। ये नहीं आइडिया लगाया कि ईंटें कितनी साल पुरानी हो सकती हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि लगभग है ना 5000 साल पुरानी हैं ये जो हड़प्पा सभ्यता है। बट जो कनिंगम था, कनिंगम ये सोचता था कि छठी शताब्दी के आसपास के एरिया की बातें, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मगध साम्राज्य का उदय, गंगा घाटी के पास की सारी चीज़ों का उद्भव हुआ होगा। तो ये नहीं, एक बार इसको ना एक सील भी मिली थी, यानी कि एक मोहर भी मिली थी हड़प्पा सभ्यता से, लेकिन ये नहीं समझ पाया था उस चीज़ को। तो क्वेश्चन आ जाता है आपके पास कि कनिंगम का कन्फ्यूजन क्या है। ये मैं आपको सारा हिंदी मीडियम में भी बता चुकी हूँ, तो यहाँ हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कन्फ्यूज ना हो, मैं साथ के साथ सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर कर रही हूँ कि इसमें क्या है। पैसेज में मैंने आपको सारा कुछ बता दिया कि पैसेज में है क्या, ठीक है। तो एक बार इसको एक मोहर मिली थी, उस मोहर को इसने देखा सोचा, बट उसके बारे में ज़्यादा आइडिया ये नहीं लगा पाया कि हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड है, तो ये उसके महत्व को समझ नहीं पाया था। तो पूछ लिया जाता है कई बार कि हड़प्पा सभ्यता के, एक नंबर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ऐसे पूछा जाता है कि कौन हड़प्पा सभ्यता के महत्व को नहीं समझ पाया था, तो वो कनिंगम था। फिर पूछ लिया जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में कि कनिंगम का कन्फ्यूजन किस तरह से था, तो आप बता सकते हो, मैंने आपको सारा कुछ बताया है। थोड़ा सा मैं फिर आपको और क्लियर कर देती हूँ पढ़ने के बाद। तो हमको NCERT को क्लियर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से आपके पैसेज आते हैं, उनसे क्वेश्चन आ जाते हैं,
जब तक आप एनसीईआरटी को क्लियर नहीं कर पाओगे, उसको नहीं समझ पाओगे, तब तक आप नहीं लर्न कर पाओगे अच्छे से। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम से अच्छे से लर्न करें तो आपको कन्फ्यूज नहीं होगा। और मैं आपको वैसे ही लर्न करवाती हूँ, हर एक लाइन का मीनिंग मैं आपको समझाती हूँ कि किस तरह से। ये लेसन हमारे क्लास में सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं अच्छे से, मैंने अच्छे से आपको रीड करवा रखे हैं। फिर भी किसी बच्चे को थोड़ा बहुत और लगता है और दोबारा फिर से इन वीडियो को देखें और अच्छे से अपने लेसन को रीड करते रहें। यहीं से सारे के सारे क्वेश्चन निकलते हैं आपके, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता। वेन कनिंगम द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द ASI, जैसे मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले, तो इस लाइन को नोट कर सकते हो आप, और मैंने करवा रखी है नोट ये लाइन, कि जो कनिंगम था वो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल था ASI। इसके आगे आप ये वर्ड जरूर याद रखें, फर्स्ट। कुछ बच्चों को ना कन्फ्यूजन था क्लास में, और ये कन्फ्यूजन मैंने दूर भी किया है। अब फिर से मैं इसमें बता रही हूँ इसी के ऊपर, कि अगर आपको फर्स्ट लिखा मिलता है ना डायरेक्टर जनरल, तो वो अलेक्जेंडर कनिंगम है। अगर आपको डेट के अकॉर्डिंग मिलते हैं फिर अलग अलग आ जाते हैं, ठीक है। जैसे 1924 से 1928 में कौन था, जॉन मार्शल था। 1944 में कौन था, आरएम व्हीलर था। तो इस तरह से फिर वो चेंज हो जाते हैं। तो आप फर्स्ट डायरेक्टर जनरल को याद करोगे ASI, वो कनिंगम था। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन। बिगन आर्कोलॉजिकल एक्सक्वेशन, एक्सक्वेशन होता है खुदाई, उत्खनन, किसी चीज़ की खोज करना, खुदाई करना, जैसे हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की गई थी इन द मिड 19th century। तो ये भी है ना, इसी से रिलेटेड था, खुदाई वगैरह से चीज़ों को जानना चाहता था, खोजना चाहता था, इन सब चीज़ों में पहले से ही कनिंगम था। ये 19th century के आसपास की बात है। आर्कोलॉजिस्ट प्रेफर्ड टू यूज़ द रिटन वर्ड टेक्स्ट एंड इंस्क्रिप्शन, तो कुछ ग्रंथ और इंस्क्रिप्शन आर्कोलॉजिस्ट ने यूज़ किए हैं ये रिटन वर्ड में, एज ए गाइड टू इन्वेस्टिगेशन, उनकी खोज से रिलेटेड। इनफैक्ट वास्तव में कनिंगम मेन इंटरेस्ट वॉज इन द आर्कियोलॉजी ऑफ द अर्ली हिस्टोरिकल 6th century BC 4th century CE, कि जो कनिंगम था उसका मेन इंटरेस्ट था किस चीज़ में था, वो 6th century से 4th century के आसपास की बातों में था। ये 5000 साल पुरानी बातों के बारे में सोच ही नहीं रहा था, ये सिर्फ है ना इतनी ही खोज कर रहा था इसकी चीज़ों की, कि 6th century में क्या बातें हुई थी लगभग, और वहीं तक इसकी सोच सीमित थी। इसी वजह से ये कन्फ्यूज़ था वहाँ हड़प्पा सभ्यता की चीज़ों को लेकर। तो आपने ये लाइन बिल्कुल अच्छे से नोट करनी है कि 6th century BCE 4th century। मैं आपको ये लाइन है ना अंडरलाइन अभी भी करवा सकती हूँ साथ के साथ, बट मैं इस वजह से नहीं करवा रही क्योंकि मैंने पहले भी क्लास में करवा दी गई हैं ये लाइनें सारी अंडरलाइन। अगर मैं यहाँ करवाऊँगी तो आप केवल उन्हीं लाइन पर फोकस करोगे फिर, और लाइनों को पढ़ेंगे नहीं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप एक बार सब पूरे लेसन को अच्छे से रीड करें जिस तरह से मैं आपको करवा रही हूँ, क्योंकि क्लास में नोट डाउन तो पहले भी करवा चुकी हूँ मैं, तो ऐसी प्रॉब्लम कुछ है नहीं। और अब साथ के साथ मैं बोल के बता रही हूँ कि हाँ इस लाइन को बिल्कुल देखो, ये आपका एक नंबर का क्वेश्चन बन गया है, लोग आपसे इस तरह से पूछा जाएगा। साथ के साथ मैं आपको है ना केवल लेसन ही रीड नहीं करवाती हूँ, मैं आपको क्वेश्चन भी बताती हूँ कि हाँ क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसका आंसर कैसे है। ये NCERT में जो पीछे दिए गए क्वेश्चन वो भी मैंने आपको बताए हैं इस लेसन के, और आपने खुद ने ये सॉल्व करके भी देखे हैं। तो इसलिए अच्छे से रीड करें, ये सारी बातें कोई ब्लैक बोर्ड पे समझाने की नहीं है, कन्फ्यूजन वगैरह लिखना। जो बातें मुझे लगेंगी कि हाँ मैंने ब्लैक बोर्ड से कुछ समझाना है तो वो मैं वहीं से आपको समझा दूँगी ब्लैक बोर्ड से, वरना हम यहाँ से रीड कर रहे हैं। ओवरव्यू सारा का सारा नोटबुक में मैंने पहले ही राइट करवाया हुआ है आपसे, तो वहाँ से समझ लें सारी बातों को। तो देखिए, ही यूज्ड द अकाउंट्स लेफ्ट बाई चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स हु हैड विजिट द सब कंटिनेंट बिटवीन द 4th and 7th century CE टू लोकेट अर्ली सेटलमेंट्स। तो ये कुछ चाइनीज़ वगैरह जो चीनी यात्री आए थे बुद्ध के समय में, बुद्धिस्ट पिलग्रिम थे, उनके बारे में सब कंटिनेंट उपमहाद्वीपों से 4th century 7th century इसके आसपास की सारी बातों के बारे में था इसका सारा कुछ सोचना समझना। इसकी सोचना यहीं तक थी बस, इसी के बारे में ये इंटरेस्ट था जाने के लिए कि 6th century वगैरह में, 4th century में 7th century में इनमें क्या हुआ है, बस इसका यही था। इसीलिए ये हड़प्पा की सभ्यता को समझ नहीं पाया था। कनिंगम आल्सो कलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स, इसने डॉक्यूमेंट्स यानी कि जो दस्तावेज होते हैं उनको एकत्रित किया, एंड ट्रांसलेटेड इंस्क्रिप्शन, और जो अभिलेख उस समय इसको मिले हैं
उनको इसने ट्रांसलेट भी किया यानी कि उनका अनुवाद करवाया। फाउंड ड्यूरिंग हिज सर्वे, उसके सर्वे के दौरान जब उसको खोज कर रहा था ना इन चीज़ों की, तब उसको ये चीज़ें मिली थी और उसने इनका अनुवाद वगैरह भी करवाया था। व्हेन ही एक्सक्यूटिव साइड ही टेंडेड टू रिकवर आर्टिफैक्ट दैट ही थॉट हैड कल्चर वैल्यू। उसने जो साइट वगैरह की खोज की, कुछ पुरावस्तुएं उसको वहाँ पर मिली, उसके बारे में सोचा, कल्चर संस्कृति उनकी जो थी उसकी वैल्यू को उसने समझा। ए साइट लाइक हड़प्पा, एक स्थल जैसे कि हड़प्पा, विच वॉज नॉट पार्ट ऑफ द डे ऑफ द चाइनीज पिलग्राम एंड वॉज नॉट नाउ एज एन अर्ली हिस्टोरिक सिटी, कि जो हड़प्पा साइट थी ना, तो इसमें किसी चाइनीज चीनी यात्री का आना हुआ, ठीक है ना, इसमें कोई अर्ली हिस्टोरिकल सिटी के बारे में था। डिड नॉट फिट वेरी नीटली विद इन हिज फ्रेमवर्क ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो जो हड़प्पा सभ्यता की चीज़ें थी वो इसके उस फ्रेमवर्क में बैठ ही नहीं रही थी, क्योंकि ये सारी बातें तो कब की थी, 6th century की थी। सो ऑल्दो हड़प्पा आर्टिफैक्ट वर फाउंड फेयरली ऑफ्टन ड्यूरिंग द 19th century एंड सम ऑफ दीज रिचर्ड कनिंगम ही डिड नॉट रिलीज हाउ ओल्ड दीज वर। कनिंगम को जो चीज़ें मिली हड़प्पा सभ्यता से, क्योंकि इसने ईंटें मंगवाई थी, मोहर भी मिली थी, बट ये वही चीज़ नहीं समझ पाया कि ये कितने साल पुरानी हो सकती है। ये उन सब चीज़ों को ना 6th century के आसपास ही घुमाने की कोशिश कर रहा था कि ये तो ना 6th century से हो सकती हैं, तो इसको पता ही नहीं था इन सब बातों के बारे में। ए हड़प्पन सील वॉज गिवन टू कनिंगम बाय एन इंग्लिश मैन, एक अंग्रेज अधिकारी था, उसने ना इसको हड़प्पा की एक सील थी ये कनिंगम को दे दी। ही नोटेड द ऑब्जेक्ट, इसने ना नोट भी किया इस वस्तु को, बट अनसक्सेसफुली ट्राइड टू प्लेस इट विद इन द टाइम फ्रेम विद विच ही वॉज फैमिलर, बट ये नहीं जांच पाया ये कि कितनी वर्ष पुरानी हो सकती है। हेलो, ये इसमें सक्सेस ही नहीं हुआ। दिस वॉज बिकॉज ही लाइक मैनी अदर थॉट एंड इंडियन दैट इंडियन हिस्ट्री बिगन विद द फर्स्ट सिटीज इन द गंगा वैली, तो ये तो ना लगभग गंगा वैली के आसपास की चीज़ों के बारे में ही खोज कर रहा था, और ये गंगा वैली वगैरह से रिलेटेड थी ही नहीं। कहने का अर्थ ये है कि ये हड़प्पा सभ्यता के महत्व को समझ नहीं पाया था। कनिंगम स्केच ऑफ द फर्स्ट नॉन सील फ्रॉम हड़प्पा, ये एक सील वगैरह भाई मिली थी इसको, तो एक स्केच इसने बनाया था, ये हड़प्पा सभ्यता थी बट नहीं समझ पाया था ये इसको। अब हम करते हैं ए न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन, एक नई पुरानी सभ्यता। सब्सिक्वेंटली सील्स वर डिस्कवर्ड एट हड़प्पा बाय आर्कोलॉजिस्ट सच एज दयाराम साहनी इन द अर्ली डिकेड्स ऑफ 20th century इन लेयर्स दैट वर डेफिनेटली मच ओल्डर देन अर्ली हिस्टोरिकल लेवल्स। बता रखा है मैंने आपको सारा कुछ, जो हड़प्पा में सील मिली थी दयाराम साहनी ने खोज की थी उनकी, ठीक है, 20th century के आसपास की बात है और अर्ली हिस्टोरिकल लेवल की थी वो। इट वॉज देन दैट देयर सिग्निफिकेंस बिगन टू बी रियलाइज्ड, और उन चीज़ों को उसने रियलाइज भी किया था। अनदर आर्कोलॉजिस्ट राखल दास बनर्जी फाउंड सिमिलर सेल्स एट मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, वो की थी राखल दास बनर्जी ने, तो वहाँ से भी उनको ऐसी ही सील यानी कि मोहरें मिली थी। लीडिंग टू द कंजक्चर दैट दीज साइट्स वॉज पार्ट ऑफ सिंगल आर्कोलॉजिस्ट कल्चर बेस्ड ऑन दीज फाइंड्स इन 1924, तो इन सब की जो सहायता की है दयाराम साहनी की और राखल दास बनर्जी की, ये बातें सारी की सारी आ चुकी हैं पहले भी, बस अब एक न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन का एक छोटा सा वो बना के वही बातें डाल रखी हैं सारी दोबारा। तो बेस्ड ऑन दीज फाइंड्स इन 1924, जैसे मैंने आपको बताया था कि 1924 से 1928 में ऐसा ही कौन था, तो जॉन मार्शल था, वही चीज़ यहाँ पर आ गई है। तो जॉन मार्शल डायरेक्टर जनरल ऑफ द ASI, तो ये जॉन मार्शल डायरेक्टर जनरल था 1924 में, अराउंड अनाउंसड द डिस्कवरी ऑफ ए न्यू सिविलाइजेशन इन द इंडस वैली टू द वर्ल्ड, तो इसने इस नई सभ्यता की खोज की जो हड़प्पा सभ्यता थी, इसने मदद की थी राखल दास बनर्जी की और दयाराम साहनी की खोज करने में। एज एस एन रॉय की एक बुक है ये, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी, मार्शल लेफ्ट इंडिया, इस बुक को लर्न कर लेना। मार्शल लेफ्ट इंडिया 3000 ईयर ओल्डर देन ही हैड फाउंड हर,
तो मार्शल ने ना बहुत पीछे पाया था इंडिया को इस बात में कि हड़प्पा सभ्यता देखो कितनी पुरानी है। दिस वॉज बिकॉज सिमिलर टिल देन अनआइडेंटिफाइड सील्स वर फाउंड एट एग्जिबिशन एट मेसोपोटामियन साइट्स, क्योंकि इस समय मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, मैंने आपको बताया था हड़प्पा सभ्यता के समकालीन ही चल रही थी, तो वहाँ से भी इसको बहुत सारी मोहरें मिली थी। वहाँ मेसोपोटामिया की भी खुदाई कर रहा था, यानी कि इसको पहले से ही बहुत ज़्यादा नॉलेज थी खुदाई करने के बारे में, तो इस वजह से ये हड़प्पा सभ्यता की खुदाई करने में सफल भी रहा था। इट वॉज देन दैट द वर्ड न्यू नॉट ओनली ऑफ ए न्यू सिविलाइजेशन बट आल्सो वन कंटेम्परेंस विद मेसोपोटामिया। तो वही बातें हैं, कंटेम्परेंस होता है समकालीन, यानी कि इसके समकालीन मेसोपोटामिया की सभ्यता चल रही थी, मेसोपोटामिया से भी इसने खोज की थी, वहाँ से भी कई सील्स इसे मिली थी, ऐसे इसने हड़प्पा सभ्यता में खोज में काफ़ी योगदान दिया है। इन फैक्ट जॉन मार्शल सिट एज डायरेक्टर जनरल ऑफ द ASI मार्कड ए मेजर चेंज इन इंडियन आर्कोलॉजी। ही वॉज द फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कोलॉजिस्ट टू वर्क इन इंडिया। ये उसका एक व्यवसाय था कि उसने इंडिया में काम किया, एंड बोथ हीज एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ग्रीस एंड क्रीट टू द फील्ड। पहले भी वो ये ग्रीस और क्रीट में काम कर चुका था। मोर इम्पोर्टेंटली दो लाइक कनिंगम ही टू वॉज इंटरेस्टेड ए स्पेक्चर फाइंड्स ही वॉज इक्वली की टू लुक फॉर पैटर्न्स ऑफ एवरीडे लाइफ। जो उसकी डेली वेज की लाइफ की बातें थी वो उनसे ही रिलेटेड करके इन सारी बातों को खोजता था, इनसे रिलेटेड ही उनको करता था। मार्शल टेंडेड टू एक्सवेट अलोंग रेगुलर हॉरिजॉन्टल यूनिट्स की कुछ हॉरिजॉन्टल यूनिट्स के बारे में उसको प्रॉब्लम हुई है। मेजरमेंट यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द माउंट्स इग्नोरिंग एंड स्ट्रेटिग्राफी ऑफ द साइट कि ये लाइनें हैं ना हॉरिजॉन्टल हैं क्षैतिज हैं या लंबवत हैं, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूज इसको रहा है। दिस मीन दैट ऑल द आर्टिफैक्ट रिकवर्ड फ्रॉम द सेम यूनिट, क्या ये सारी आर्टिफैक्ट सेम यूनिट से मिली हैं, वर ग्रुप टुगेदर इकट्ठी मिली हैं एक समूह में, इवन इफ़ दे वर फाउंड एट डिफरेंट स्ट्रेटिग्राफी लेयर्स, अलग अलग उससे लेयर से मिली हैं। जे रिजल्ट, इसका क्या रिजल्ट निकलता है, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द कंटेक्स्ट ऑफ दीज फाइंड्स वॉज इंटरवेल्यूबल लोड्स। तो ये है ना, बस ये हॉरिजॉन्टल लाइंस वगैरह इनके बारे में नहीं इतना समझ पाया था, तो फिर आगे न्यू टेक्निक और क्वेश्चन में ये सारी बात थोड़ी सी और क्लियर हो जाएंगी आपको। इसमें बता देती हूँ मैं आपको न्यू टेक्निक की, नई तकनीकों की खोज की गई और कुछ नए पर्सन हमारे सामने आए। इट वॉज आर ई एम वहीलर आता है अब, ये ASI है। आफ्टर ही टुक ओवर एज डायरेक्टर जनरल ऑफ द ASI इन 1944 में क्या था, ये ASI था। फर्स्ट मैंने आपको बताया है अलेक्जेंडर कनिंगम था, सेकंड 1924 में कौन था, जॉन मार्शल था, फिर ये थर्ड 1944 में REM वहीलर है। हु रेक्टिफाइड दिस प्रॉब्लम, तो उसने इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाइड किया भाई, जो प्रॉब्लम पीछे थी ना थोड़ी सी है कि हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं किस तरह से हैं, लंबवत है क्षैतिज हैं, वो सारी प्रॉब्लम को इसने सॉल्व किया, क्योंकि ये कुछ न्यू टेक्निक लेके आया था। वहीलर रिकॉग्नाइज दैट इट वॉज नेसेसरी टू फॉलो द स्ट्रेटिग्राफी ऑफ द मून रैदर दैन डिग मकैनिकली अलोंग यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल लाइन्स की, हॉरिजॉन्टल लाइन्स हो सकती हैं। मोर ओवर एज एन एक्स आर्मी ब्रिगेडियर ही बोथ विद हिम ए मिलिट्री प्रिसियन टू द प्रैक्टिस ऑफ आर्कोलॉजी। द फ्रंटियर ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन हैव लिटल और नो कनेक्शन विद प्रजेंट डे नेशनल बाउंड्रीज, कि जो आजकल की प्रेजेंट में नेशनल बाउंड्री इससे कोई कनेक्ट नहीं था। हाउवर विद द पार्टीशन ऑफ द सब कंटिनेंट एंड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, कि जब सब कंटिनेंट का पार्टीशन हुआ और पाकिस्तान अलग हुआ था, मेजर साइट्स आर नोन इन पाकिस्तानी टेरिटरी, तो जो बिल्कुल प्रमुख साइट थी वो सारी की सारी पाकिस्तान में ही हैं, जैसे हड़प्पा है, मोहन जोदड़ो है, चंद्रहुदड़ो है, ये सारी कहाँ साइट हैं और सबसे पहले खोजी गई थी, तो ये पाकिस्तान के अंदर है। दिस हैज स्क्वेड इंडियन आर्कोलॉजिस्ट टू ट्राई एंड लोकेट साइट्स इंडिया, तो कुछ आर्कोलॉजिस्ट ने सोचा कि ये जो साइट की खोज की गई थी सबसे पहले तो ये तो पाकिस्तान में चली गई हैं, तो क्यों ना हम इंडिया के अंदर भी और साइट की खोज करें जहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के कुछ ना कुछ अंश हमें ज़रूर मिलें। एंड एक्सटेंसिव, तो यही प्रॉब्लम थी वहाँ पीछे, बस इसी प्रॉब्लम को ये एक नई टेक्निक यहाँ इंडिया में खोजने की कोशिश कर रहा है। एंड एक्सटेंसिव सर्वे इन कच्छ, कच्छ ये गुजरात के अंदर है, हैज़ रिलेटिव ए नंबर ऑफ हड़प्पन सेटलमेंट एंड एक्सप्लोरेशन इन पंजाब एंड हरियाणा हैव एडिड टू द लिस्ट ऑफ हड़प्पा साइट्स,
कि जैसे खोज की आर्कोलॉजिस्ट ने, तो पंजाब में भी, हरियाणा में भी, अच्छा कच्छ में भी, ये सारे के सारे भारत में हो गए, तो यहाँ पर भी हड़प्पा सभ्यता की बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था राखीगढ़ी, राखीगढ़ी कहाँ है, हिसार के अंदर है, तो वहाँ पर भी है ना बताया जा रहा है 5000 साल पुराने दो शव मिले हैं, एक लड़का का और एक लड़की का, तो दो युगल मिले थे, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारे कुछ पूरा आर्टिफैक्ट, बर्तन वगैरह, इस तरह की सारी चीज़ें मिलती रही हैं, तो ये चीज़ें वहाँ से मिली हैं, तो इन्होंने साइट की खोज करनी शुरू कर दी। फिर कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान के अंदर, लोथल गुजरात में, राखीगढ़ी हिसार में, एंड मोस्ट रिसेंटली धोलावीरा, धोलावीरा गुजरात में है, बीन डिस्कवर्ड। तो इन सभी जगहों की भी खोज करनी शुरू कर दी, एक्सप्लोर्ड एंड एक्सपेक्टेड एज पार्ट दीज एफर्ट्स, उनका जो एफर्ट लगा फ्रेश एक्सप्लोरेशन कंटिन्यू, तो इस तरह से उन्होंने जारी रखी अपनी खुदाई को भी और नई चीज़ें खोजने की उन्होंने कोशिश की। ओवर द डिकेड्स न्यू इशूज हैव अज्यूमड इम्पोर्टेंस वेयर सम आर्कोलॉजिस्ट आर ऑफ्टन need to obtain a culture sequence, others try to understand the logic underlying the location of specific sites, they also grapple with the wealth of artifact trying to figure out the function of these may have served। तो वही सारी बातें इसके अंदर ही हैं। फिर ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का आ जाएगा कि इनकी खुदाई की गई थी, इसमें इंटरेस्टेड थे आर्कोलॉजिस्ट काफ़ी, तो फिर इन्होंने कुछ नई टेक्निक निकाली, उन नई टेक्निकों ने क्ले, स्टोन, मेटल, प्लांट, एनिमल रिमेन्स, जो कुछ भी यहाँ से मिला अवेलेबल एविडेंस इनको किया और काफ़ी इंटरेस्टेड इन्होंने बनाया इसको। तो इस तरह से इन्होंने नई तकनीक की, आर्यम वहीलर ने, कुछ आर्कोलॉजिस्ट ने इसके साथ मिलकर इस तरह से हड़प्पा सभ्यता की इसने खोज की। तो ओके, यहाँ तक आप अच्छे से रीड करें इसको। टेक केयर।